बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस बेस्ड स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हमने ऑक्सफर्ड प्राइमरी साइंस क्लास फिफ्थ का यूनिट नंबर फोर स्टडी करना है। यूनिट नंबर फोर का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लास यूनिट नंबर टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। In the 18th century, scientists starting putting living things into certain groups and giving them scientific names that could be used all over the world. This process is called classification. Students, 18th century में 18th century के start में ही scientists ने क्या किया, living things को, हर living thing को जो है एक certain group में classify करना start कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनिमल्स थे, हर टाइप का एनिमल उन्होंने एक ऐसे सर्टन ग्रुप में रखा जिसको नेम कर दिया एनिमल। तो बेटे उस एनिमल ग्रुप में हर टाइप का एनिमल आ गया, वो डिफरेंट टाइप के जितने भी एनिमल्स थे वो एनिमल ग्रुप में आ गए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो थे वो प्लांट ग्रुप्स में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने हर लिविंग थिंग को सर्टेन ग्रुप्स में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया एंड गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स, और हर लिविंग थिंग को साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया बेटे, हर लिविंग थिंग का एक तो कॉमन नेम होता है जो कि मोस्टली इंग्लिश में होता है, लेकिन साइंटिफिक नेम भी होता है हर लिविंग थिंग का जो कि हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो है वो यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो है बेटे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड इन इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि मोस्टली सब समझ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हर कंट्री में जो है वो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो साइंटिफिक नेम रखने का पूरी दुनिया में हर स्पीशी का सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक नेम होगा और वो पूरी दुनिया में यूज होगा। मतलब कि डिफरेंट रीजन्स में जो है वो डिफरेंट नेम्स यूज नहीं होंगे। इससे आसानी पैदा करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एनिमल्स को या लिविंग थिंग्स को सर्टेन ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के साथ साथ उनको साइंटिफिक नेम देना भी स्टार्ट कर दिया, ताकि पूरी दुनिया में, मतलब अगर एक स्पीशी है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। क्लियर? तो पूरी दुनिया में ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस ही है। इसके अलावा उर्दू में ह्यूमंस को इंसान कहते हैं, या इंग्लिश में ह्यूमन बोल देंगे, या डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनके जो नेम है वो डिफरेंट है, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमो सेपियंस। मतलब कि एक ही साइंटिफिक नेम होगा पूरी दुनिया में। तो साइंटिस्ट ने हर लिविंग थिंग को उनके साइंटिफिक नेम देना भी स्टार्ट कर दिए और उनकी ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी। तो बेटे इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग द लिविंग थिंग्स एंड गिविंग देम साइंटिफिक नेम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स की हमने क्लासिफिकेशन इस पूरे चैप्टर में स्टडी करनी है। अब अटेंटिवली इस लेक्चर को सुने स्टूडेंट्स। इन साइंस द फर्स्ट वे इन विच द लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड अंडर द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज टू प्लेस देम इन वन ऑफ द फाइव किंगडम्स। स्टूडेंट्स, जब साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को सर्टेन ग्रुप्स में क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मोस्टली जो पांच ऐसे ग्रुप्स बनाए जिनको कहते हैं फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका पूरा नेम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो लिविंग थिंग्स को उन्होंने फाइव किंगडम्स में रखा, यानी फाइव ग्रुप्स में रखा, और उनको क्या, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को नाम दिया फाइव किंगडम्स। ठीक है, और उसमें हर लिविंग थिंग्स को जो था उन्होंने प्लेस कर दिया, उसके अंदर रख दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लिविंग थिंग्स की मेजर हेडिंग है और उसके अंडर फाइव ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लिविंग थिंग्स के अंडर फाइव ग्रुप्स हैं जिसको कहते हैं फाइव किंगडम्स। फर्स्ट किंगडम पे अगर हम देखें तो ये प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट बेटे कहते हैं यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम जिनकी इंटायर बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है। और इसकी एग्जाम्पल में क्या आ गया, अमीबा। अमीबा जो है वो एक प्रोटिस्ट है जो कि प्रोटिस्ट किंगडम में रखा हुआ है इसको, और ये क्या है, यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड ग्रुप हमारे पास कौन सा है, यानी सेकेंड किंगडम कौन सा है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है वो भी बच्चे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर? और इस किंगडम का नाम है बेटे मोनरा। बैक्टीरिया एंड सम टाइप ऑफ एल्जी जो है वो प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं और उनको हमने इस किंगडम में क्लासिफाई किया हुआ है। थर्ड किंगडम इज फंजाए। बेटे थर्ड किंगडम का नेम है फंजाए। इसमें मशरूम्स, मोल्ड्स एंड यीस्ट आ जाते हैं। क्लियर? फोर्थ किंगडम है प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर क्लासिफाइड और ग्रुप्ड इन किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो इस किंगडम का जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं किंगडम प्लांटी, और वैसे इसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा जो फिफ्थ किंगडम है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं किंगडम एनिमिलिया, तो इसमें सब एनिमल्स आ जाते हैं, ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या ऑल मल्टी सेल्यूलर
एनिमल्स। क्लियर हो गया? तो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में बेटे किंगडम एनिमिलिया यानी कि किंगडम एनिमल में आ गए और उसमें सब टाइप ऑफ एनिमल्स आ गए। ये हो गए हमारे 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने डिफरेंट लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। मेरे साथ रिपीट करें, फर्स्ट किंगडम है प्रोटिस्ट, सेकेंड वन इज प्रोकैरियोट्स और उसका नेम है मोनरा, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ प्लांट्स एंड फिफ्थ वन इज एनिमल्स। और बेटे इन 5 किंगडम्स को फर्दर जो है वो सब डिवाइड किया हुआ है, मतलब कि प्रोटिस्ट की भी आगे से टाइप्स हैं। अब हमें पता है कि प्लांट्स जो है हर किस्म का प्लांट हमने एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन प्लांट्स अगर ग्रीन प्लांट्स हैं तो हर ग्रीन प्लांट की भी तो डिफरेंट टाइप्स है ना, तो वो सब डिवाइडेड, हर किंगडम जो है वो सब डिवाइडेड भी हुआ है, मतलब उसकी फर्दर टाइप्स भी हैं। ईच ऑफ द 5 किंगडम्स इज सब डिवाइडेड। क्लियर? एनिमल्स वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊं तो बेटे वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है? बैकबोन हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। तो वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होगी और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वर्टिब्रेट्स नहीं होते। इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, यानी कि उनकी बैकबोन ही नहीं है। क्लियर हो गया? ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स? एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैव अ बैकबोन, वर्टिब्रेट्स, और डू नॉट हैव अ बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स। तो बेटे हम एनिमल्स को सबसे पहला तरीका जो है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का, यानी कि एनिमल्स की ग्रुपिंग करने का, वो ये तरीका है कि हम देखें कि वर्टिब्रेट्स कौन से हैं और इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं। और उसको पता लगाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है वो क्या कहलाते हैं बेटे, वर्टिब्रेट्स, एंड द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर हो गया? तो एनिमल क्लासिफिकेशन इसकी मेजर हेडिंग है जिसमें टू टाइप्स आ जाती हैं, एक है वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड सेकेंड वन इज इनवर्टिब्रेट्स। तो बेटे वर्टिब्रेट्स में अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो फर्स्ट वन इज मैमल्स जिसमें काउ है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, amphibians and fishes. बेटे these are the examples of vertebrates. अभी हम next देखते हैं कि reptiles और amphibians क्या होते हैं, mammals क्या होते हैं. Clear? फिर इससे आपको मजीद clear हो जाएगा. वहाँ पे हम detail से पढ़ते हैं next slide में. Invertebrates बेटे ऐसे animals जिनकी backbone नहीं होती, ठीक है? तो वो क्या कहलाते हैं? Invertebrates, उसमें हर टाइप के insects आ जाते हैं. Insects की जितनी भी types हैं बेटे वो invertebrates होंगे. इसके अलावा worms. वर्म्स की भी बैकबोन नहीं होती, वो भी इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स और क्लासेस। बेटे वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ा कि जिनकी बैकबोन होती है, द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एंड दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स और क्लासेस, ठीक है? उनको हमने मजीद 5 ग्रुपिंग की हुई है और उन ग्रुप्स के नेम क्या है? मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है? डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट दीज? आपको, आपने अगर ये नाम पहले सुने होंगे तो मोस्टली आई थिंक आपने जो नेम है वो फिश, बर्ड और मैमल के नेम जो है वो सुने होंगे। अब हम आपको एम्फीबियंस और रेप्टाइल से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्लियर? तो द 5 ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कौन से हुए? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। तो बेटे अब हमने इन 5 ग्रुप्स की जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि इनकी कौन कौन सी खासियत होती है हर ग्रुप के अंदर। क्लियर हो गया? फर्स्ट हमारे पास वर्टिब्रेट है फिश। फिश की एग्जांपल्स क्या हैं? ट्राउट, ट्यूना एंड शार्क। बेटे दीज आर द टाइप ऑफ फिशेस, ठीक है, जो कि क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। अब एग्जांपल में फिश आ गई है तो फिश के बाद हम देखते हैं एम्फीबियंस। तो बेटे एम्फीबियंस का नेम जब आता है तो आपके जहन में सबसे पहले नेम किसका आना चाहिए? फ्रॉग का। फ्रॉग इज द मेजर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। इसके अलावा न्यूट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एम्फीबियन, स्लेमेंडर। बेटे ये सब एनिमल्स जो हैं ये वर्टिब्रेट्स हैं और ये एम्फीबियंस के नेम हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है रेप्टाइल। रेप्टाइल में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है स्नेक की। स्नेक इज अ रेप्टाइल जो कि वर्टिब्रेट है और रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल एंड टर्टल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स दैट आर वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है बर्ड। बर्ड में बेटे ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स आ जाते हैं, पिजन, हैन, स्पैरो, ऑल एंड सीगल। क्लियर? एंड मैमल, मैमल में स्टूडेंट्स डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ, लाइन, ये सब एग्जाम्पल हैं किसकी? मैमल्स की।
ठीक है। अब सब क्लासिफिकेशंस की, सब क्लासेस की या सब ग्रुप्स की, जो फाइव ग्रुप्स थे उनकी आपको एग्जांपल्स पता चल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं। तो बेटे हमेशा याद रखना, जो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं ना, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एंड बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है कवर्ड विद, मतलब कि ये जो फाइव ग्रुप्स के एनिमल्स हैं इनकी जो फर्दर ऊपर जो इनकी लेयर होती है, फर्स्ट लेयर स्किन लेयर होती है, वो किससे कवर हुई होती है? अगर हम देखें तो फिशेज जो है बेटे, फिशेज आर कवर्ड विद स्केल्स, ठीक है। फिशेज के ऊपर स्केल्स होते हैं, उनकी जो ऊपर जो बॉडी होती है, बॉडी पार्ट है उसकी, उनकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है किससे? स्केल्स से। और जो एम्फीबियंस हैं, जिसमें आप एग्जांपल ले लें फ्रॉग की, तो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और स्लिपरी स्किन होती है। क्लियर हो गया। रेप्टाइल्स जिसमें स्नेक आ जाता है, स्नेक की आप एग्जांपल ले लें, तो इसकी रेप्टाइल्स यानी स्नेक की जो स्किन है बेटे वो ड्राई स्किन होती है, दैट इज कवर्ड विद स्केल्स, ठीक है। फिशेस के स्केल्स और रेप्टाइल्स के स्केल डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आपने स्नेक देखा होगा तो उसके जो स्केल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और फिशेस के स्केल्स डिफरेंट होते हैं। बर्ड्स आर कवर्ड विद फेदर्स, यानी कि बर्ड्स के पर होते हैं, फेदर्स होते हैं। और जो मैमल्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर कवर्ड विद हेयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटे ये वाला जो कॉलम है ये किसका है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फर्स्ट पे अब हम देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट बेटे कहते हैं मस्कन को या रहाइश को। तो फिशेस किधर रहती हैं? फिशेस लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर। हमें पता है कि फिशेज जो हैं वो लिव करती हैं, पानी के अंदर ही रहती हैं और पानी में ही रिप्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। बेटे एम्फीबियंस में आ जाती है, हमारे पास एग्जांपल हमने पढ़ी थी फ्रॉग की, तो फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में स्टूडेंट्स एग्जांपल हमारे पास कौन सी थी? स्नेक की ना। तो सम लिव इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड। बेटे कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड में रहते हैं, यानी कि जमीन पे रहते हैं। ये भी जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स मोस्ट लिव ऑन लैंड, ठीक हो गया। एंड मैमल्स, और जो मैमल्स होते हैं बेटे वो भी मोस्टली लिव ऑन लैंड, वो भी जमीन पे ही रहते हैं। ब्रीथ थ्रू, अब हमने देखना है कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं वो कैसे सांस लेते हैं। सबसे पहले हम फिशेज की बात करते हैं, तो फिशेज बेटे सांस लेती हैं गिल्स के जरिए। गिल्स आर द ऑर्गन्स थ्रू विच फिशेज ब्रीथ। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बेटे जो ब्रीदिंग करेंगे वो अपनी स्किन के जरिए भी कर सकते हैं और लंग्स के जरिए भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो ब्रीदिंग करते हैं अपने लंग्स के जरिए। नेक्स्ट वन इज रिप्रोड्यूस बाय। अब हमने देखना है कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बेटे फिशेज लेइंग एग इन वाटर, फिशेज जो हैं वो बाय लेइंग एग्स इन वाटर, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगी? वाटर में एग्स ले करके। इसी तरह से एम्फीबियंस भी वाटर में एग ले करेंगे, लेइंग एग्स इन वाटर, ठीक है। रेप्टाइल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स लेइंग एग ऑन लैंड। रेप्टाइल्स जो हैं वो जमीन पे जो हैं वो एग्स ले करते हैं। इसके अलावा बर्ड्स एंड लेइंग हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड, ये भी हमें पता है। एंड मैमल्स गिव बर्थ टू लिव बेबीज, ठीक है। तो मैमल्स जो हैं वो बर्थ देते हैं बेबीज को। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटे आ गया डक्स एंड गीज लिव ऑन लैंड एंड वाटर। डक्स और गीज, गीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ डक्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स लिव इन वाटर, ठीक है। डॉल्फिन्स और व्हेल्स जो हैं स्टूडेंट्स वो मैमल्स हैं, देखने में वो फिश लग रही होती हैं लेकिन वो असल में क्या है? मैमल्स हैं। उनको हमने मैमल्स में क्लासिफाई किया हुआ है। व्हाइल द वॉलरस लिव्स मोस्टली ऑन सी आइस। क्लियर है स्टूडेंट्स? वर्टिब्रेट्स हमने स्टडी कर लिए, अब हमने देखने हैं कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, जब हमने वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन पढ़ी, हमने साथ ही पढ़ा कि इनवर्टिब्रेट्स आर द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन, मतलब कि उनकी बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी जो है वो उनकी नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। तो बेटे अर्थ के ऊपर इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स फिर भी कम है लेकिन इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन, ये बात हमें पता है। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडी,
बेटे हर इनवर्टिब्रेट की जो स्ट्रक्चरल फीचर होता है, यानी कि उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उनके डिफरेंट होते हैं, और उनके जो फीचर हैं वो हर बॉडी के फीचर जो हैं वो डिवाइडेड हुए होते हैं। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि उनके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो किस तरह से बॉडीज के स्ट्रक्चरल फीचर्स डिवाइड हुए होते हैं। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव थ्री और मोर पेयर ऑफ लेग्स। बेटे मोस्टली जो इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स और क्रैब्स होते हैं उनके थ्री या थ्री से ज्यादा पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स के भी, स्पाइडर्स के भी और क्रैब्स के भी। क्लियर है? व्हाइल अदर्स डू नॉट हैव एनी लेग्स। लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई लेग्स नहीं होती, उनमें क्या आ जाते हैं? वर्म्स, मोलस्क एंड स्लग्स। मोलस्क और स्लग्स भी बेटे टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी कोई लेग्स नहीं होती। तो इंसेक्ट्स की बहुत ज्यादा लेग्स होंगी, यानी थ्री और मोर पेयर ऑफ लेग्स होंगी। थ्री पेयर का मतलब होता है सिक्स लेग्स, मतलब कि पेयर में टू आता है ना, तो थ्री पेयर ऑफ लेग्स का मतलब होता है सिक्स लेग्स, और इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। और मोलस्क, वर्म्स या स्लग्स के पास बिल्कुल भी टांगे या लेग्स नहीं होती। क्लियर है? अगर आप ये डायग्राम देखें तो स्पाइडर है, इसकी बहुत ज्यादा पेयर ऑफ लेग्स है। स्लग्स की, स्लग की देखें बिल्कुल भी नहीं है लेग। क्लियर? सेंटीपीड की स्मॉल लेग्स हैं और बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा आंट, स्नेल, स्नेल की भी जो है वो नहीं है लेग्स। एंड लेडी बर्ड, उनकी भी लेग्स हैं लेकिन वो पेयर्ड फॉर्म में है। क्लियर हो गया? अब आपको पता चले किस तरह इनवर्टिब्रेट्स, डिफरेंट टाइप के इनवर्टिब्रेट्स की डिफरेंट पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। कुछ के पास बिल्कुल ही लेग्स नहीं होती और कुछ के पास होती हैं तो बहुत ज्यादा होती हैं। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीना जो कि इंसेक्ट्स में होते हैं, और टेंटिकल्स जो कि एनीमोन, एनीमोन भी बेटे टाइप ऑफ वर्टिब्रेट है। वाइल अदर डू नॉट, जैसे कि स्टारफिश। बेटे अब देखें इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स के आपने जो है वो मोस्टली देखा होगा कि उनके सामने, उनके फेस के ऊपर जो है वो मोस्टली टू जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, बाल की तरह वो लगते हैं, लेकिन उनको हम क्या कहते हैं? एंटीना। क्लियर हो गया? और टेंटिकल्स, बेटे एनीमोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्टिब्रेट। ये एक वर्टिब्रेट का नेम है जिसके माउथ के ऊपर या उसके फेस स्ट्रक्चर के ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, और मोस्टली दो टेंटिकल होते हैं। ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? टेंटिकल्स। जैसे इंसेक्ट्स में हम उसे एंटीनाएं कहेंगे तो एनीमोन में हम उसको क्या कहेंगे? टेंटिकल्स। और फिर जो स्टारफिश है, अगर आपने स्टारफिश को देखा हो तो आपने देखा है कि स्टारफिश के फेस के ऊपर किसी किस्म का ना कोई एंटीना होता है और ना ही टेंटिकल्स होते हैं। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज लाइक जेलीफिश। जेलीफिश के बेटे बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है। व्हाइल अदर्स हैव हार्ड शेल, जैसे आप स्नेल की एग्जांपल है बेटे, स्नेल का बहुत हार्ड शेल होता है उसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स बहुत सॉफ्ट बॉडीड हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट जो है उनके ऊपर बहुत हार्ड शेल है। और एक्सोस्केलेटन बेटे कहते हैं बाहर वाला जो स्केलेटन होता है ना, उनका स्केलेटन जो है वो बाहर बॉडी के बाहर होता है। जैसे ह्यूमंस का स्केलेटन या एनिमल्स का जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है ना, पहले स्केलेटन होता है फिर उसके ऊपर जो है वो मसल्स की वजह से बॉडी बन रही होती है। लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनका स्केलेटन जो है वो उनकी बॉडी से बाहर है, और उसके एग्जांपल में आ जाता है बेटे लेडी बर्ड, टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज। तो बेटे उनकी सॉफ्ट बॉडीज होती हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनका स्केलेटन है वो उनकी बॉडी से बाहर होता है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, स्केलेटन स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन स्केलेटन, जो कि उनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ होता है। और वो किस इनवर्टिब्रेट में होगा? लेडी बर्ड में। क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट हम डिड यू नो में देखेंगे कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है और स्मॉलेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन है। वन ऑफ द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट नोन एनिमल्स इज द बूटलेस वर्म। बेटे बूटलेस वर्म कहते हैं एक लार्जेस्ट एनिमल है, इसकी लेंथ बहुत लंबी होती है और इसको, और ये बूटलेस की तरह होता है, इसलिए हमने इसका नेम ही जो है वो बूटलेस वर्म रख दिया है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ फाइंडिंग स्पेसिमेंस अप टू 55 मीटर लॉन्ग। बेटे 55 मीटर इज वेरी लॉन्ग लेंथ। ठीक है, तो इतने लंबे जो है वो स्पेसिमेंस यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने फाइंड किए हुए हैं साइंटिस्ट ने, तो इसलिए इसको लॉन्गेस्ट नोन एनिमल का नाम दिया हुआ है। द बूटलेस वर्म्स म्यूकस इज हाईली टॉक्सिक। बेटे जो बूटलेस वर्म होता है उसका जो म्यूकस है इसको हम पॉइजन भी कह सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत पॉइजनस होता है। ऑफकोर्स जो पॉइजन होता है या जो म्यूकस होता है किसी भी वर्म का वो टॉक्सिक तो होता ही है, लेकिन जो बूटलेस वर्म का पॉइजन है या म्यूकस है वो बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स इसकी लेंथ इतनी लंबी नहीं दिखाई, लेकिन ये रियल में बहुत लंबा होता है। इसके स्पेसिमेंस 55 मीटर लॉन्ग तक हमने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइंड आउट किए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट वर्म कौन है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वर्म आर कॉल्ड नीमाटोड्स।
बेटे नीमाटोड्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट वर्म्स के नेम हैं, ये बहुत स्मॉल होते हैं। इवन अगर आप देखें कि 20-30 इकट्ठे नीमाटोड्स एक जगह पे रख देना तो उनकी थिकनेस बेटे इतनी होगी जितनी एक कॉइन की थिकनेस होती है, और एक कॉइन की कितनी छोट कम थिकनेस होती है ना। तो 20 और 30 ऑफ देम लाइंग एंड टू एंड वुड बी नीडेड एंड टू इक्वल द थिकनेस ऑफ वन स्मॉल कॉइन। एक छोटा सा स्मॉल कॉइन है तो अगर हमने उसकी थिकनेस हमने देखी हुई है कि कितनी कम होती है, अगर हम 20 टू 30 नीमाटोड्स को एक जगह पर रखते हैं तो उनकी थिकनेस एक स्मॉल कॉइन की थिकनेस के बराबर होगी। तो आप इसे हिसाब लगा लें कि नीमाटोड्स कितने स्मॉल हैं, इसलिए तो उनको दुनिया के स्मॉलेस्ट वर्ड वर्म्स का नेम दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं वर्म्स। देयर आर मेनी डिफरेंट वर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रेट्स थे, डिफरेंट टाइप के इनवर्टिब्रेट्स थे, इसी तरह से डिफरेंट टाइप के वर्म्स होंगे। वर्म्स हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो आर्म्स और लेग्स। बेटे आप ये डायग्राम देखें, ये अर्थ वर्म है, आप देख सकते हैं कि इनकी लॉन्ग बॉडी होती है और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का, कोई आर्म कोई लेग इनकी बॉडी के साथ नहीं होती। क्लियर है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ लगा ना, लॉन्ग ट्यूबुलर बॉडी होती है इनकी, नो आर्म्स एंड नो लेग्स। सम वर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, बेटे कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो इतने स्मॉल होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उनको, वो बहुत माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल होते हैं। व्हाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर, लेकिन कुछ वर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लंबा ग्रो कर सकते हैं, जैसे हमने बूटलेस वर्म पढ़े कि वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वर्म है, ठीक है, तो वो बहुत लॉन्गर भी ग्रो कर सकते हैं। सम कैन कॉज इन्फेक्शन, बेटे कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडीज में, लिविंग बॉडीज में जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सम आर पैरासाइट्स एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एलिमेंट्स एनिमल्स। बेटे पैरासाइट्स ऐसे वर्म्स होते हैं जो कि डिफरेंट एनिमल्स की बॉडीज के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडीज से फूड भी लेते हैं और इन टर्न उनको डिजीज कॉज करा देते हैं, बॉडी में डिजीज कॉज करवा देंगे और जिस एनिमल की बॉडी में रह रहे हैं उससे फूड भी लेंगे। वहां पे उसने अगर कोई फूड कंज्यूम किया है या इसके अलावा ब्लड है उसको भी एज अ फूड ले रहे होते हैं, तो ये पैरासाइट्स होते हैं वर्म्स। क्लियर हो गया। वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स, बेटे वर्म्स की जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हैबिटेट्स होती हैं, यानी उनकी डिफरेंट मस्कन कहते हैं हैबिटेट को, जहाँ पे वो कोई भी एनिमल रह रहा है वर्म्स के भी जो है वो डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे। कुछ वर्म्स जो है वो वाटर में रहते हैं, कुछ सी वाटर में, कुछ ओशियन वाटर में, कोई फ्रेश वाटर में रहते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द वर्म्स लिव इन लैंड और अंडरग्राउंड, ठीक है। सम लिव इन वाटर इन द सी और इन फ्रेश वाटर वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड और बरो अंडरग्राउंड, ठीक है बच्चे। कुछ जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर्स होते हैं, फ्रेश वाटर है, सी वाटर है, ठीक है, ओशियन है, इसके अलावा जो लेक वाटर है, किसी भी वाटर में रह रहे होंगे, वो डिफरेंट टाइप के वर्म्स है ना जो डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर्स में रहते हैं। इसे इसके अलावा जो वर्म्स हैं वो लैंड्स में भी रह सकते हैं और बरो अंडरग्राउंड ओवर जमीन के अंदर भी बरो करके, यानी कि अपने जमीन खोद के उसके अंदर भी रहते हैं। क्लियर। सम वर्म्स सच एज अर्थ वर्म्स आर यूजफुल, बेटे जैसे हमने ये अर्थ वर्म पढ़ा, ये बहुत यूजफुल होता है, हम देखते हैं किस तरह यूजफुल होता है। दे लिव इन सॉइल एंड हेल्प टू इनरिच इट, बेटे ये अर्थ वर्म जो है वो सॉइल के अंदर रहते हैं और उसको इनरिच करते हैं। सॉइल इनरिचमेंट किसको कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब अर्थ वर्म एक बरो करता है ना सॉइल के अंदर, तो क्या करता है वो सॉइल के अंदर जो है वो टाइनी पोर्स क्रिएट कर देता है, छोटे छोटे सुराख क्रिएट कर देता है। तो इससे ये होता है कि वाटर और जो है वो जब हम पानी पौधों को पानी दिया जाता है तो वो सॉइल के अंदर वाटर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जब अर्थ वर्म जो है वो सॉइल को किस तरह से इनरिच करेगा कि उसके अंदर टाइनी पोर्स क्रिएट कर देगा, तो इससे इससे क्या होगा, दे ऑल्सो क्रिएट द सॉइल, यानी कि ब्रिंग एयर इन टू द सॉइल। अब जब टाइनी पोर्स क्रिएट हो गए हैं और वाटर जो है वो अंडरग्राउंड अच्छे तरीके से चला जाएगा और उसकी जो रूट्स हैं प्लांट की वो अच्छी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसके अलावा क्या करते हैं, हमें पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर की भी जरूरत होती है, तो जब अर्थ वर्म सॉइल में टाइनी पोर्स क्रिएट कर देंगे तो उससे एरेशन भी जो है वो सॉइल की बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, यानी कि सॉइल में ऑक्सीजन भी जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी और जाहिर है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा डिफरेंट मिनरल्स और पानी की जरूरत होती है। तो जब सॉइल इनरिच होगी तो वो सब चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से सॉइल में एब्जॉर्ब होंगी और वहाँ पर एब्जॉर्ब होने के बाद प्लांट की जो डिफरेंट रूट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देंगी। तो इससे जो है हमें अर्थवर्म इस तरह से सॉइल को इनरिच करता है और इसलिए दैट्स व्हाई दे आर यूजफुल। इंसेक्ट्स, बेटे हमने पहले वर्म्स देखे, अब हमने देखने हैं कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं और इंसेक्ट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स देखते हैं। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडी आर इन सेक्शन, इन सेक्ट्स
यानी कि ऐसे एनिमल जो कि सेक्ट्स में होते हैं, यानी कि उनके डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उनका नेम ही इंसेक्ट हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो सेक्शंस में होती है। ऑल अडल्ट इंसेक्ट्स हैव थ्री पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। बेटे हर अडल्ट इंसेक्ट जो है उसकी बॉडी के तीन पार्ट होते हैं। दीज आर हेड, अ थोरेक्स एंड एन एब्डोमन। ठीक है, हेड, थोरेक्स एंड एन एब्डोमन, ये है इंसेक्ट्स के तीन मेन बॉडी पार्ट्स। अब हम फर्स्ट पे देखते हैं तो ये इंसेक्ट का बच्चे क्या है, हेड है। हमने ये भी देखा कि इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, दो एंटीनास होते हैं। ठीक है, तो वो क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उसके हेड के ऊपर ग्रो किए होते हैं, इसको कहते हैं एंटीना। नेक्स्ट वन इज थोरेक्स। थोरेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड एब्डोमन। एब्डोमन है ना ये इंसेक्ट का, तो एब्डोमन और हेड के दरमियान वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, थोरेक्स। क्लियर, एंड देन देयर आर लेग्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इंसेक्ट्स हैव टू फीलर्स और एंटीना। ठीक है, तो जो फीलर्स होते हैं जो उनके हेड के ऊपर ग्रो किए होते हैं उनको हम फीलर्स भी कह सकते हैं या फिर एंटीना भी कह सकते हैं। दीज आर यूज फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। बेटे ये जो है असल में एंटीनाए जो है वो इंसेक्ट्स के सेंस ऑर्गन्स हैं और दे आर यूज फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग। क्लियर हो गया, तो सेंस ऑर्गन्स हमें पता है कि वो स्मेलिंग और फीलिंग के लिए यूज होते हैं। तो इंसेक्ट्स के जो है वो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन से हुए, टू फीलर्स हैं जिनको क्या नाम दिया हुआ है, एंटीनाए। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव टू लार्ज आईज। बेटे इंसेक्ट्स की भी जो है वो टू लार्ज आईज होती हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स जॉइंट टू देयर थोरेक्स। बेटे थोरेक्स के साथ उनकी लेग्स जॉइन की होती हैं और मोस्टली इंसेक्ट्स की तीन पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, यानी कि सिक्स लेग्स होंगी। थ्री पेयर्स का मतलब होता है सिक्स लेग्स दैट आर जॉइंट टू देयर थोरेक्स। अगर आप ये डिफरेंट इंसेक्ट्स देखें तो ये हेड है, ये एब्डोमेन है, हेड और एब्डोमेन के दरमियान में थोरेक्स है जहां पे पेयर ऑफ लेग्स, थ्री पेयर ऑफ लेग्स जॉइन की होती हैं। और आप डिफरेंट इंसेक्ट्स के आप सेंस ऑर्गन्स भी देख सकते हो जिनको हमने एंटीना कहा हुआ है, ये देखें, ये क्लियर हो गया, ये हेड एब्डोमेन एंड दिस वन इज थोरेक्स। बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स। बेटे जो बीज हैं, फ्लाई और बीटल्स हैं वो भी इंसेक्ट्स हैं। अगर आप ये डायग्राम भी देखें, दिस वन इज हनी बी, दिस वन इज हाउस फ्लाई एंड दीज आर बीटल्स, ये भी इंसेक्ट्स हैं और इंसेक्ट्स की टाइप्स हैं। दे हैव विंग्स अटैच टू द थोरेक्स एंड कैन फ्लाई। बेटे इनके थोरेक्स यानी हेड और एब्डोमिन के दरमियान जो रीजन है उसको थोरेक्स कहते हैं और थोरेक्स में उनकी लेग्स भी अटैच हुई होती हैं और इसके अलावा बीज, फ्लाइज और बीटल्स के पास जो है वो विंग्स भी होते हैं और वो इजिली फ्लाई भी कर सकते हैं इन विंग्स को यूज करके। ठीक है, तो वो लेग्स भी यूज कर सकते हैं और विंग्स भी यूज कर सकते हैं। बैट्स, बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स। लेकिन बेटे अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि बर्ड्स, आप कहेंगे कि बर्ड्स और फ्लाइज जो हैं वो भी, फ्लाइज के पास भी जो है वो विंग्स हैं, तो इस तरह से बर्ड्स और बैट्स के पास भी विंग्स होते हैं, वो भी तो फ्लाई करते हैं। तो फिर हमने बर्ड्स और बैट्स या बैट को हमने क्यों बर्ड कहा है और बीज, फ्लाइज और बीटल्स को क्यों इंसेक्ट कहा है, क्योंकि बेटे बर्ड्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। बर्ड्स, हर बर्ड के पास या बैट के पास क्या होता है बेटे, बैकबोन होती है, दे आर वर्टिब्रेट्स। अगर उनके पास विंग्स हैं तो वो उड़ भी सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन कहाँ पे आती है बेटे, कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके पास बैकबोन नहीं है। बेशक वो फ्लाई कर सकते हैं, उनके पास विंग्स हैं, वो भी बर्ड्स की तरह ही उड़ते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव बैकबोन। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स। ठीक है, तो बर्ड्स और जो बैट्स हैं वो भी उड़ते हैं, लेकिन हम उनको इंसेक्ट इसलिए नहीं कहते बिकॉज जो है इंसेक्ट्स के पास बैकबोन नहीं होती, लेकिन बर्ड्स के पास तो होती है। तो मेजर डिफरेंशिएशन कहाँ पे आ गई, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के हिसाब से। क्लियर हो गया। इंसेक्ट इंस्टेड दे आर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटन। बेटे अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो एक तो उनको एक उनके बॉडी के बाहर जो है एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि उनकी बॉडी को सपोर्ट भी करती है और उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करती है, तो उस हार्ड कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं, काइटन। क्लियर हो गया। फ्रेंड और एनिमी। अब बेटे हमने देखना है कि इंसेक्ट्स हमारे फ्रेंड हैं या एनिमी हैं। लेकिन बेटे मोस्टली जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल ही हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रेंडली हैं, यानी कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हैं, वो फायदेमंद भी हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से जो इंसेक्ट हैं वो एज अ फ्रेंड एक्ट करते हैं और कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि एज अ फ्रेंड एक्ट करते हैं। सम इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी पेस्ट।
बेटे पेस्ट जो है वो भी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं लीव्स फ्रूट्स एंड सीड्स, मतलब कि उनके आगे कोई भी फ्रूट आ जाए, लीव आ जाए, कोई भी क्रॉप है, सीड है, कुछ भी है, डिफरेंट प्लांट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, तबाह बर्बाद कर देना है। किस तरह से बेटे वो क्या करते हैं, पेस्ट ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि लीव्स ईट कर लेते हैं, फ्रूट्स ईट कर लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि फल को कीड़ा लग गया, तो असल में वो क्या होता है, वो पेस्ट होते हैं जो कि फ्रूट को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं और इन टर्न फ्रूट को स्पॉइल कर देते हैं, यानी खराब कर देते हैं, वो खाने के काबिल नहीं रहता। ठीक हो गया। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो कि जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं लीव्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को, तो उनको हम क्या कहते हैं, पेस्ट्स। अदर्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कॉज डिजीजेस। बेटे हमें पता है कि जो फ्लाइज हैं जिसमें होम फ्लाइज आ जाती हैं, और इसके अलावा जो मॉस्किटोज हैं वो भी डिजीजेस कॉज करते हैं। डू यू नो ऑफ एनी अदर इंसेक्ट्स दैट आर पेस्ट? बेटे आपको कुछ ऐसे इंसेक्ट्स का पता है जो कि पेस्ट हों? तो बेटे बीटल्स जो हैं वो भी पेस्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जो कि अगर आप सर्च भी करें तो आपको पता चलेगा कि वो क्या हैं, पेस्ट हैं, और वो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, प्लांट्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को। ठीक हो गया। सम इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड द सिल्क वर्म आर यूजफुल टू अस। बेटे अब ये तो हमने ऐसे इंसेक्ट्स देख लिए जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं या डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। अब हमने देखने हैं ये कौन से हुए एनिमी, अब हमने देखने हैं कि फ्रेंडली इंसेक्ट्स कौन से हैं। बेटे ऐसे इंसेक्ट जिनसे हमें फायदा पहुंचता है, जैसे हनी भी है, तो हनी भी से हमें क्या मिलता है, हनी। और इसके अलावा सिल्क वर्म जो है वो सिल्क का जो कपड़ा होता है वो बनाने के लिए हेल्प करती है। तो क्या है, ये इंसेक्ट क्या हुए हमारे लिए यूजफुल हुए, तो ये एक्ट करेंगे एज अ फ्रेंड। ठीक है, तो ये फ्रेंडली एक्ट करेंगे, दे आर बेनिफिशियल टू अस, यूजफुल टू अस। ठीक है, तो उनमें कौन से इंसेक्ट्स आ गए, हनी बी एंड द सिल्क वर्म। क्लियर हो गया। अब आपको पता चले कि किस तरह से कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन कुछ जो है हमारे लिए यूजफुल भी हैं। सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स एज दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स एंड कॉलोनीज। बेटे कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग रहते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप्स बना के रहते हैं, और ग्रुप्स में बहुत ज्यादा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स रह रहे होते हैं, और उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं कॉलोनी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अ कॉलोनी ऑफ आंट। ठीक है, जो चींटियां हैं वो भी कॉलोनीज बना के रहती हैं, एक एक चींटी अलग नहीं रहती, उन्होंने एक इतना बहुत बड़ा उनका ग्रुप होता है जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स रह रहे होते हैं, और वो क्या बना के रहते हैं, ग्रुपिंग में रहते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉलोनीज। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, बिकॉज दे लिव टूगेदर इन अ कॉलोनी, देयर कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अगर आप ये हनी भी है तो हनी भी बेटे जो है वो हनीबीज जो है वो भी कॉलोनीज बना के रहती हैं। इसके अलावा जो सिल्क वर्म्स हैं वो भी कॉलोनीज में रहते हैं। इसके अलावा अगर आप आंट्स की एग्जांपल ले लें, वो भी कॉलोनीज बना के रहेंगी। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट? ठीक है बेटे, आपको अब तक आपने लेक्चर सुना और आपको क्लासिफिकेशन से क्या समझ आया, एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं प्रॉपर्टीज को, खासियत को। तो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप्स में हमने क्या किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे प्लांट्स हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को हमने एक ही ग्रुप में रखा हुआ है और उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया है प्लांट। डिफरेंट एनिमल्स को एक ही ग्रुप में रखा है, उसका नाम हमने रख दिया है किंगडम एनिमल। ठीक है, तो इसको, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स को हमने एक सिंपली क्या कह दिया, क्लासिफिकेशन। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस वे लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड गिविंग द साइंटिफिक नेम्स। बेटा ये क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप्स बन जाते हैं और उनके साइंटिफिक नेम जो है वो भी हमें क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, नेम टू मैमल्स दैट लिव इन द वॉटर। तो बेटे मैंने आपको बताया कि डॉल्फिन और व्हेल्स जो हैं वो फिशेज नहीं हैं, दे आर मैमल्स एंड दे लिव इन वॉटर। क्लियर, मोस्टली वो देखने से, उनकी बॉडी से ऐसे ही लग रहा होता है कि दे आर फिशेज, एंड उसको मोस्टली सब फिशेज ही कहते हैं, डॉल्फिन्स को भी और व्हेल्स को भी। लेकिन बेटे साइंटिफिकली डॉल्फिन्स और जो व्हेल्स हैं वो मैमल्स हैं, और मैमल्स क्या हैं बेटे, वर्टिब्रेट्स, और वो कहाँ रह रहे होते हैं, दे लिव इन वॉटर, और वो पानी में रहती हैं। ठीक हो गया।
रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम 5 इनवर्टिब्रेट्स दैट कुड बी लिविंग इन अ गार्डन. बेटे गार्डन में, किसी भी गार्डन में वहां पे किस टाइप के इनवर्टिब्रेट्स रह सकते हैं, उनके नेम आपने बताने हैं. तो इसके आंसर में फर्स्ट वन इज सेंटीपीड, सेकेंड स्लग, थर्ड आंट, फोर्थ लेडी बर्ड एंड फिफ्थ अर्थवर्म. बेटे ये सब जो हैं, ये क्या हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स के नेम हैं जो कि एक गार्डन में या प्लांट एरिया जहां पे होते हैं वहां पे ये रह सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 3 इनवर्टिब्रेट्स दैट लिव इन द सी. तो बेटे ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कि समुंदर में रहते हैं उनके नेम बताने हैं, एंड दीज आर द स्टारफिश, जेलीफिश एंड स्नेल. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंसेक्ट इज अ पेस्ट. कौन से ऐसे इंसेक्ट है जो कि पेस्ट है. आर देयर एनी इन योर हाउस. बेटे क्या वो आपके हाउस में है. तो बीज एंड सिल्क वर्म्स आर पेस्ट. बीज आर फाउंड इन अवर हाउसेस. बेटे जो बीज हैं वो हमें अपने घरों में नजर आ जाती हैं. क्लियर हो गया. रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स कॉन्सेप्ट चेक पेज नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लेस द फॉलोइंग क्रिएचर्स इन द करेक्ट कॉलम. बेटे आपको जो है वो डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, वो वर्टिब्रेट्स भी हैं और इनवर्टिब्रेट्स मिक्स हैं. आपने वर्टिब्रेट्स के कॉलम में वर्टिब्रेट्स के नेम लिखने हैं और इनवर्टिब्रेट वाले कॉलम में सब इनवर्टिब्रेट्स के नेम लिख देने हैं. एड एट लीस्ट 3 और मोर एग्जांपल्स ऑफ योर ओन टू ईच कॉलम. ठीक हो गया. तो अब हमने वर्टिब्रेट्स में जो क्या लिखना है बेटे, सब जो वर्टिब्रेट्स होंगे जिनकी बैकबोन होगी उनको हमने डिफरेंशिएट करके वर्टिब्रेट वाले कॉलम में लिखने हैं. सबसे पहले आ जाएगा कैट, वेल, पैरट, फ्रॉग, लिजर्ड एंड गोल्डफिश. तो इन कॉलम्स में बेटे आपने वर्टिब्रेट्स, इन सब वर्टिब्रेट्स के नेम लिख दिए और जो बच जाएंगे वो हैं इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि उनकी बैकबोन नहीं होती. तो उसमें आप क्या लिखेंगे, स्लग, स्नेल, कॉकरोच, वर्म, स्पाइडर एंड बीटल. इस तरह से आपने जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स जो थी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की सेपरेट कर ली. ठीक है, या आपने अपनी बुक के पेज नंबर 36 पे इसको नोट कर लेना. रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर. पार्ट 1 है बेटे, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 किंगडम्स. बेटे आपको पता है आपने 5 किंगडम्स के नेम पढ़े हैं और आपने चूज करने हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा नेम है जो कि 5 किंगडम्स में इंक्लूड नहीं होता. एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स एंड इंसेक्ट्स. तो बेटे एनिमल, प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन 5 किंगडम्स, लेकिन इंसेक्ट्स जो है वो 5 किंगडम्स में इंक्लूडेड नहीं है. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ. सेकेंड पार्ट है, व्हाट डू वर्टिब्रेट्स हैव दैट इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट. बेटे वर्टिब्रेट्स के पास ऐसा क्या होता है जो कि इनवर्टिब्रेट्स के पास नहीं होता. बॉडी, आईज, बैकबोन और लेग्स. तो बेटे जो मेजर डिफरेंशिएशन है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के दरमियान वो किसकी वजह से होती है, बैकबोन की वजह से. कि वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज, विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट. अब आपने इंसेक्ट को जो है वो देखना है कि कौन सा है, ब्लूबर्ड, बैट, स्पाइडर एंड कॉकरोच. तो स्टूडेंट स्पाइडर जो है वो क्या है, एक इंसेक्ट है. रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स में पार्ट 4 है, विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट्स हैव. तो बेटे इंसेक्ट्स के पास क्या होता है. ए ऑप्शन है 6 लेग्स एंड अ हार्ड कवरिंग. हमने बेटे चैप्टर में पढ़ा 3 पेयर ऑफ लेग्स, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि 3 पेयर ऑफ लेग्स एक्चुअली क्या होती हैं, 6 लेग्स होती हैं. ठीक है, एंड अ हार्ड कवरिंग. ठीक है, हार्ड कवरिंग को हमने क्या नेम दिया था, काइटन. ठीक है, तो ये भी इंसेक्ट के पास होती है. बी ऑप्शन है 2 फीलर्स और एंटीनाए, ये भी इंसेक्ट्स के पास होते हैं. थर्ड ऑप्शन है 3 पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज. ठीक है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स थे इंसेक्ट्स के, ये भी होते हैं. एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. तो बेटे ये सब जो है ऑप्शंस करेक्ट हैं. इंसेक्ट्स के पास ये सब बॉडी पार्ट्स होते हैं. तो हमने क्या कह दिया, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सब ऑप्शंस करेक्ट हैं. फिफ्थ स्टेटमेंट है, व्हाट डू वी कॉल इंसेक्ट्स व्हिच डिस्ट्रॉय प्लांट्स. तो बेटे ऐसे इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेस्टी, पैरासाइट्स, सोशल और पेस्ट. तो स्टूडेंट्स पेस्ट ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट्स डिस्ट्रॉय करते हैं. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पुट दीज इन ऑर्डर. यू मे वांट टू डिस्कस द आंसर्स. ठीक है, हमने बेटे उनको जो है वो ऑर्डर में करना है
कि हमने सबसे जो लार्जेस्ट होगा या बिगेस्ट एनिमल होगा उसको हमने ऑप्शन में करेक्ट करना है, या उसको अंडरलाइन कर देंगे, आप टिक कर दें उसको, या जो और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास विच इज बिगेस्ट एंड विच इज स्मॉलेस्ट। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, ग्रास होपर, आंट, कॉकरोच, फ्लाई एंड बटरफ्लाई। तो बेटे आपने आंसर्स को डिस्कस करें और इसको देखें कि सबसे स्मॉलेस्ट, तो हमें पता चल गया कि आंट होती है। ठीक है, तो आपने आंट के साथ ब्रैकेट में आपने लिख दिया एस, इसका मतलब हुआ कि ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और बिगेस्ट कौन क्या हुआ बेटे, ग्रास होपर। ठीक है, जो कि ग्रास होपर है, जो कि घास में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रास होपर। और ये क्या है बेटे, बिगेस्ट है। कॉकरोच भी बिग होता है, बटरफ्लाई भी, लेकिन ये ग्रास होपर से स्मॉल होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। इसके साथ आप बी लिखते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वन इज विच इज द लॉन्गेस्ट विच इज द शॉर्टेस्ट। बेटे ये भी हमने चैप्टर में स्टडी किया कि लॉन्गेस्ट वर्म कौन सा है और शॉर्टेस्ट एनिमल जो है वो इस वर्ल्ड में कौन है। ए अर्थवर्म, बी हुकवर्म, सी बूटलेस वर्म, डी नेमाटोड। तो बेटे जो लार्जेस्ट वर्म है दैट इज कॉल्ड बूटलेस वर्म, इसके आगे आप एल लिख दें, और शॉर्टेस्ट कौन है, नेमाटोड, तो इसके आगे आप एस लिख दें। रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नोर्स, स्टेटमेंट 3 है विच इज क्वाइटेस्ट विच इज नॉइजीएस्ट। तो बेटे जो क्वाइटेस्ट कौन सा होगा कि सबसे जो जिसकी बहुत कम जो है वो साउंड होती है, बिल्कुल साउंड नहीं होती, और नॉइजीएस्ट इनमें से कौन होगा। तो बेटे ए ऑप्शन है क्रिकेट, बी फ्लाई, मॉस्किटो एंड बीटल। तो बेटे क्रिकेट जो है वो बहुत क्वाइटेस्ट है, एंड नॉइजीएस्ट कौन है बेटे इन सब में से, मॉस्किटो। एंड फोर्थ वन इज विच इज सॉफ्टेस्ट एंड विच इज हार्डेस्ट। तो बेटे सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन होगा और सबसे हार्डेस्ट कौन होगा, उसमें हम देखते हैं लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, बीटल, बटरफ्लाई एंड आंट। तो बेटे जो लेडी बर्ड है इसके ऊपर थिक हार्ड कवरिंग होती है, जिसको हम काइटन कहते हैं, उस कवरिंग की वजह से ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए इन सब ऑप्शन से ज्यादा हार्डेस्ट कौन होगा, लेडी बर्ड। इसके आगे हमने एच लिख दिया। ठीक है, और सबसे सॉफ्टेस्ट बेटे होती है बटरफ्लाई इन सब में से। ठीक है, तो बटरफ्लाई के आगे हमने एस लिख दिया, बिकॉज दैट इज सॉफ्टेस्ट ऑफ ऑल। रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स। बेटे बुक्स में आपको 5 वर्ड्स दिए हुए हैं और 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स को जो है इसमें ब्लैंक्स में फिल अप करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश अटैच्ड टू देम दैट हेल्प देम टू फ्लाई। तो बेटे इंसेक्ट्स के साथ क्या अटैच हुआ होता है जिसकी हेल्प से वो फ्लाइंग करते हैं, ऑफ कोर्स उनके साथ विंग्स अटैच हुए होते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के साथ, इंसेक्ट्स की बॉडी किस बॉडी पार्ट के साथ विंग्स अटैच होते हैं, थोरेक्स के साथ जो है वो विंग्स अटैच होते हैं, दैट हेल्प देम टू फ्लाई। सेकेंड पार्ट है अ डैश इज लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग टुगेदर। तो बेटे ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट जो कि इकट्ठे रह रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। तो ब्लैंक में आप लिखते हैं कॉलोनी। थर्ड स्टेटमेंट है सम वर्म्स लिव इन अदर क्रिएचर्स दे आर डैश। तो बेटे कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जो कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स, डिफरेंट क्रिएचर्स की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। ये देखें ब्लैंक में आपने क्या लिख दिया, पैरासाइट्स। स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन है फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैन कॉज डैश। तो बेटे फ्लाइज और मॉस्किटोज जो है वो डिजीजेस कॉज करती हैं, तो हमने ब्लैंक में क्या लिख दिया, डिजीजेस। फिफ्थ स्टेटमेंट है वर्म्स हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक डैश। तो बेटे वर्म्स की लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज होती हैं, तो इस ब्लैंक में हमने क्या लिखा, बॉडीज। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाता है। आपने इसकी बुक रीडिंग तो अच्छी तरह से करनी ही है, इसके साथ इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से लर्न करके उसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर हो गया, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।